नमस्कार, मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी अपडेट्स। आज हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसा मॉल जहां पे कंस्ट्रक्शन का सारा सामान मिलता है एक ही मॉल के अंदर, और आपको दिखा रहे हैं एक ऐसा सर्विस स्टेशन जहां पे आप जितनी मर्जी महंगी गाड़ी है आप अपनी गाड़ी खुद धोएंगे। आइए अब आपको इसमें डिटेल में बताते हैं और दिखाते हैं। सामने आप देख सकते हैं एक 24 घंटे वॉशिंग स्टेशन है यहाँ पे, और यहाँ पे 50 रुपये में आपको पहले फोम मिलेगी, जैसे भाई साहब फोम डाल रहे हैं अभी गाड़ी के ऊपर, अभी फोम डल रही है, इसमें से फोम निकल रही है, इसको साबुन हम कह सकते हैं। तो ये 50 रुपये इन्होंने टोकन लाया और उसके पास इसमें से फोम निकलने शुरू हो गई, यानी कि साबुन निकलना शुरू हो गया, और स्प्रे के साथ ये अपनी गाड़ी पे इन्होंने ये साबुन लगा लिया। उसके बाद फिर ये पानी डालेंगे। यहाँ पे जो सर्विस स्टेशन है ये 24 घंटे खुला होता है, और कोई भी बंदा यहाँ आके 150 रुपये में अपनी गाड़ी धो सकता है। सेल्फ़ सर्विस यहाँ पे है। तो ये सामने एक लकड़ी का और बिल्डिंग मटेरियल का एक मॉल है, जिसके अंदर बिल्डिंगों का, टाइल्स का, वुड का आप सामने देख सकते हैं, और हर तरीके का जो बिल्डिंग मटेरियल होता है यहाँ पे, लकड़ी के घर बनते हैं तो यहाँ लकड़ियाँ सीधी काट कर उसके लिए रखी हुई हैं। सामने इसमें वॉलपेपर हैं, सीमेंट है, टाइल्स हैं, सैनिटरी है। तो ये यहाँ पे मॉल्स होते हैं तकरीबन हर 5 किलोमीटर पे। यहाँ ये समझ लीजिए कि आप शहर में 4 मॉल ऐसे होते हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का सारा सामान, अगर आपने घर में कुछ भी करना है तो आपको एक ही जगह पे यहीं पे मिल जाएगा, और उसके बिल्कुल सामने मेन रोड के ऊपर ये गाड़ियाँ धोने का सिस्टम है। अभी भाई साहब ने 100 रुपया डाला, और 100 रुपया डालने के बाद इनको जो कंप्यूटर है वो अलाउ करेगा प्रेशर के साथ गाड़ी धोने के लिए, पानी इनको ऊपर से आ जाएगा। तो ये नया कंसेप्ट है हमने जो देखा है यहाँ पे। अभी इनकी जैसे ये गाड़ी है फ्लुएंस, जो हमारे इंडिया में भी है रेनॉल्ट की, अभी ये स्कॉडा की नई गाड़ी जो इंडिया में वेरिएंट नहीं है, करदोक ये आ गई है, तो ये भी है, और अभी ये भी भाई साहब ने पहले 50 रुपये डालेंगे, और 50 रुपये में इनको मशीन में डालने के बाद फोम मिलेगी, यानी कि साबुन मिलेगा, और साबुन के बाद ये फिर 100 रुपये और डालेंगे तो इनको उसी पाइप में से पानी आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉफ़ी वेंडिंग मशीन भी है, जूस वेंडिंग मशीन भी है, तो कार धोते धोते अगर आपका दिल करे चाय पीने का तो आप चाय भी पी सकते हैं। स्कॉडा का वेरिएंट है, आप देख सकते हैं कि खुद अपनी गाड़ी खुद भाई साहब धो रहे हैं, कोई शर्म नहीं है, कोई ये नहीं है कि अगर मैंने 20 लाख की गाड़ी ली है तो मैं 100 रुपया किसी को देकर भी अपनी गाड़ी धो सकता हूँ, ऐसे नहीं है। यहाँ पे अपना काम खुद करने की जो आदत है इन लोगों की, वो एक ख़ास चीज़ है। सामने गाड़ी धोई है भाई साहब ने, वॉक्स वैगन, और VIP नंबर है 002। और एक चीज़ हम आपको और दिखाएं कि सामने एक गाड़ी खड़ी है वॉक्स वैगन की, जैसे इंडिया में हमारे पोलो है, और उसके पीछे इन्होंने एक ट्रॉली लादी हुई है जिसमें ये अपने घर के लिए कंस्ट्रक्शन का सामान लेने आए हैं। तो हैरानी होगी ऐसी ऐसी गाड़ियों को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, बहुत हैरानी की बात है और बहुत खुशी की भी बात है कि किस तरीके से ये ट्रॉली को इन्होंने पीछे में एक सिस्टम बनाकर और इसको ये खींचती है, इतनी बड़ी ट्रॉली, मतलब 4 टायर हैं इसके, और लेंथ अगर इसकी हम बात करें तो ये 6 और 6 तकरीबन 11-12 फुट लेंथ है इसकी। अब 12 फुट लेंथ की ये ट्रॉली और 6 फुट 6.5 फुट ये ऊंची है, इसके अंदर लकड़ियां लेके जाएंगे या सामान लेके जाएंगे यहाँ से अपने घर के लिए कंस्ट्रक्शन का। और क्या यूजेज है, बिल्कुल नई गाड़ी है,
और उसके अंदर ये इन्होंने सारा सामान लगा रखा है ट्रॉली का। अरे इंडिया में तो हम जुगाड़ करते हैं, वो मोटरसाइकिल के पीछे भी लोगों ने बना रखी है। यहाँ पे कितना टेक्निकली ये साउंड सिस्टम है, तो इसके अंदर हम ये जुगाड़ नहीं कह सकते इसको, ये प्योर और प्योर इंजीनियरिंग है, तो जिसमें ये बहुत एडवांस है। अब इसके पीछे इन्होंने नंबर भी लिख रखा है, ख़ास बात यह कि नंबर भी लिख रखा है ट्रॉली के लिए, इंडिकेटर भी हैं और जो आगे वाली गाड़ी के साथ ही अटैच है, और मड फ्लैप है, हर चीज़ का ध्यान है और बहुत शानदार। और ये एक नई चीज़ देखने को मिली, जो हमारे इंडिया के व्यूअर्स हैं उनको ज़रूर ये नई चीज़ लगेगी क्योंकि हमें भी नहीं लगी है। तो ये जो मॉल हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का सारा काम होता है। पक्का है? हाँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सीमेंट और रेत इसमें मिक्स है, और 339 रुपए की ये बोरी है। इसके अंदर सीमेंट और रेत मिक्स है, आपको सिर्फ इसमें पानी डालना है और कुछ नहीं है। 50 kg का ये बैग है, और ये एक और सीमेंट है 215 रुपए का। इसमें रेत की जगह पे ये जो बजरी होती है वो मिक्स है, कि जहाँ आप अपने कंक्रीट का काम करना है तो आपको उतना ही ज़रूरत है, उतना ही लेके जाएं यहाँ से। जैसे ये हमारे वाइट सीमेंट होता है टाइल लगाने के लिए, तो ये उसके हैं बोरे हैं, ये जाली है हमारे घरों के लिए, और ये एंगल्स हैं, रेडियां हैं, प्लास्टिक के टब हैं, ये सब कुछ यहाँ पे इस मॉल के अंदर अवेलेबल है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पैनलिंग 215 रूबल में, यानी कि 215 रुपीज़ में ये छत की जो पैनलिंग है वो है यहाँ पे। और ये फर्दर फिर ये गद्दे हैं जो नीचे बिछाते हैं हम इंसुलेशन के लिए, तो ये भी यहाँ अवेलेबल हैं। 1188 का एक शीट है, ये सॉफ्टनेस के लिए है। ये पाइपें हैं जो छतों से नीचे यूज़ होती हैं पानी के लिए, ड्रेन के लिए, तो वो भी ऑलरेडी यहाँ पे पाइपें हैं, यहाँ पे बना रखी हैं, 3-4 तरह की हैं। और ये एल्बो कहते हैं जिसको, वो है क्लम्प्स हैं उसके, ये नीचे वाली शीट्स हैं इंसुलेशन के लिए, और ये जॉइंट्स हैं टॉयलेट्स के लिए नीचे, ये फोम पड़ी हुई है, और ये शीट्स हैं जो छत के लिए डालते हैं हम सीमेंट की चद्दरें, ये ग्राउंड की शीट्स हैं फ्लोरिंग के लिए, और ये प्लाई बोर्ड हैं यहाँ पे। ये वुडन फ्लोरिंग में यूज़ होने वाली प्लाई है, ये यूज़ होती है नीचे, तो ये 4 feet by 965 रुपए की है, ये 4x4 का ये ब्लॉक है, और ये पैनल्स हैं इसमें, दीवार में भी लगते हैं ये वाले पैनल्स। और ये वही चीज़ें जो मैंने दिखाई हैं आपको, वाइट सीमेंट है 205 रुपए का 10 kg, ये चैनल्स हैं स्टील के, ये ब्लॉक्स हैं सीमेंट के बने बनाए, ये नाली जो बनानी है आपने उसके लिए आपने इसको जोड़ना है खाली, और नाली आपकी बन जाएगी। 119 रुपए का ये बना बनाया है, ये ब्लॉक जो है ये 150 रुपए का बना बनाया है। ये टाइल्स हैं आपकी बाहर लगाने के लिए, ये भी आपके सामने हैं 150 रुपए में। ये फ्लोर टाइल हैं बाहर के बरामदे के लिए 60 रुपए में, बहुत सस्ती हैं। और ये लकड़ी के गोल गोल पैनल्स हैं, रॉड टांगनी है, कहीं पैनलिंग करनी है, तो ये ब्लॉक हैं 129 रुपए का ये ब्लॉक है, और ये आपकी छत के ऊपर भी काम आ जाएगा। और ये जो 350 का है ये भी शीट्स हैं, तो बहुत बढ़िया यहाँ पे सामान है देखने लायक है। और ये मिक्सचर की मशीनें बड़ी हुई हैं जो जिसमें पानी डालकर आपने वो सीमेंट और रेते को मिलाना है, और कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पे ट्रॉलियाँ पड़ी हुई हैं लोडिंग के लिए, और ये टब हैं, वाटर टैंक हैं, ये बाथ टब हैं,
इसके इसके ऊपर एक कवर लगता है लगेगा वाइट रंग का, जो इसको कवर, ये नीचे का उसका खोल है, यानी कि ये फिट होगा और इसके अंदर फिट होने के बाद इसके ऊपर इसका कवर लगेगा। तो ये हर घर के लिए बाथटब यहाँ पे कंपलसरी है, क्योंकि पानी जो है वो बाहर वेस्ट नहीं करते हैं, घर के अंदर ही करते हैं। तो ये वो मॉल है जहाँ पे सारा कंस्ट्रक्शन का, बिल्डिंग मटेरियल का आपको सामान मिलेगा, और रेट देखकर हैरानी होती है कि इंडिया के मुकाबले बहुत जेन्युइन है और बहुत सस्ते हैं। तो दोस्तों, हमने आपको भी दिखाया कि इस मॉल के अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, जिसके अंदर सारा कंस्ट्रक्शन का, बिल्डिंग मटेरियल का सारा सामान यहाँ मिलता है, और ये रेट वाइज बहुत जेन्युइन है और बहुत सस्ता है। इससे पहले हमने आपको दिखाया कि बाहर मेन रोड पे कैसे बढ़िया बड़ी गाड़ियों के मालिक खुद अपनी गाड़ियाँ धोते हैं। तो ये जो वीडियो है ये इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए, और जो कंस्ट्रक्शन का हमने आपको यहाँ ट्रेंड दिखाया कि कैसे ट्रेंड है यहाँ पे, कैसे लोग अपने घर का सामान खुद खींचते हैं, और यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियों के पीछे उन्होंने ट्रॉलियाँ बना रखी हैं, और वो यहाँ से अपना सामान अपनी गाड़ियों में खुद लेके जाते हैं। यहाँ पे कोई कैरियर नहीं है, फोकलिफ्ट है, और अपने आप आपको उसमें से उठाकर अपनी गाड़ी में रखना होगा। ये जो फोकलिफ्ट आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसके ऊपर सामान रखा हुआ है, और ये अभी बाहर मेन पे जाएगा, इसकी बिलिंग होगी, और यही गाड़ी में से लोग अपना सामान उठाकर खुद लेके जाएंगे, खुद अपनी गाड़ी में डालेंगे। तो ये यहाँ पे हमने एक नई चीज़ देखी है कि यहाँ पे जो लेबर है वो गेट तक इस फोकलिफ्ट के थ्रू गेट तक छोड़ देती है, उसके बाद फिर आपको खुद अपना जो सामान है वो कैरी करना पड़ता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदेमंद होगी अगर आप यहाँ आकर कोई कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे उसके लिए हम आपको इस वीडियो में हमने बता दिया। देखते रहें हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स, और ऐसे ही हमें लाइक और शेयर करते रहें। धन्यवाद।